नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा बस्टर्ड टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड की हेल्प से एक क्विज डेवलप करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही क्विज हम यहां पर डेवलप करने वाले हैं सिर्फ नोटपैड की हेल्प से, जिसमें हम यूज करेंगे तीन लैंग्वेजेस का HTML, CSS एंड JavaScript, जिसमें हमें किसी और अदर टूल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पीसी में नोटपैड होना चाहिए। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेरे इस वीडियो को देखते देखते आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी ये क्विज डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, इस क्विज को डेवलप करने के लिए जल्दी से अपने लैपटॉप में चलते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, यहां पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप में और शुरू करते हैं नोटपैड ओपन से कर लेते हैं। नोटपैड ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि नोटपैड में ही हम लिखेंगे सारी प्रोग्रामिंग HTML, CSS और JavaScript की। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर हम एक क्विज डेवलप करने वाले हैं इन तीनों ही लैंग्वेज की हेल्प से, HTML, CSS एंड JavaScript। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर नोटपैड का। चलिए आज मैं आपको यहां पर नोटपैड प्लस प्लस की नहीं, आपकी सहूलियत के लिए, ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास नोटपैड प्लस प्लस ना हो, इसलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर नोटपैड की हेल्प से आज HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करके क्विज बना के दिखाऊंगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और आप भी अपने लैपटॉप को ओपन करके मेरे साथ साथ ये क्विज क्रिएट कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। HTML सबसे हम एक कंटेंट जनरेट कर लेते हैं, HTML पेज डिज़ाइन कर लेते हैं HTML की हेल्प से। ठीक है, HTML ओपन, HTML क्लोज, दो टैग का हमने यूज़ किया, क्योंकि कोई भी HTML पेज आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप HTML टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉन्ट अगर आपको छोटा नज़र आ रहा हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज़। ठीक है, 20 कर देते हैं, 20 आपको विजिबल रहेगा इजिली। ओके, देन HTML के बाद हम हेड टैग का यूज़ लेंगे, और हेड टैग में आपको एक नई चीज़, नया एट्रीब्यूट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज आप इंग्लिश, UK, आप ये लैंग्वेज असाइन कर सकते हैं अपने HTML कंटेंट से। जब आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप ये लैंग्वेज एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि गूगल ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज में है, यानी कि आपका जो वेबसाइट डेटा है वो किस लैंग्वेज में है। ठीक है, हेड टैग आपने ओपन किया, देन हेड टैग आप इस तरीके से क्लोज कर देंगे। हेड टैग में आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मेटा टैग, मेटा कैरेक्टर सेट। ठीक है, मेटा कैर सेट इसका ये एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट में एक चीज़ डिफ़ॉल्ट होती है, UTF-8। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एनकोडेड करके फिर यूज़र्स तक पहुंचाता है, जिससे कि वो उनको प्रॉपर्ली विजिबल हो। ठीक है, आपका जो वेबसाइट का या फिर आपकी क्विज का, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मेक, उसका जो भी कंटेंट है वो इजीली जो दूसरे यूज़र्स हैं उनको एनकोडिंग होके वो विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेटा टैग यूज़ किया है, और इस तरीके से आप उसमें UTF-8 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बॉडी टैग में आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर CSS क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अगर जब CSS क्रिएट करेंगे तो हेड टैग में ही उसको लिंक करेंगे। ठीक है, बॉडी टैग में आ जाते हैं, जिससे कि थोड़ा कंटेंट आपको डिज़ाइन करके बता दें। बॉडी टैग भी आपका क्लोज होता है इस तरीके से, और जो भी आप काम करेंगे वो बॉडी टैग में करेंगे, यानी कि जो भी कंटेंट से रिलेटेड काम करेंगे वो बॉडी टैग में करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डिवीज़न क्लास हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं फॉर CSS पर्पस, जिससे कि हम CSS में इस डिवीज़न को, यानी कि इस पूरे ग्रिड को जो भी हम अभी डिज़ाइन करेंगे उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, ग्रिड यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रिड नेम इसका हमने डिफाइन कर दिया, देन डिव डिवीज़न ID। ठीक है, क्विज यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, देन उसके बाद H1 हेडिंग 1 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्विज जो सबसे ऊपर लिखा आएगा कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं। ठीक है, H1, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रो, HR टैग आपका होता है हॉरिजॉन्टल रो, इसकी स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, और स्टाइल एट्रीब्यूट में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन बॉटम 20px, यानी कि 20 पिक्सल, बॉटम से मार्जिन हमने 20 पिक्सल असाइन कर दिया। इसके बाद एक पैराग्राफ टैग हम ले लेते हैं, P टैग ले लिया हमने, ID इसकी दे देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ID कहाँ पर काम आएगी हमारी, JavaScript में। ठीक है, क्वेश्चन हमने ID दे दी, देन P टैग क्लोज कर दिया। ठीक है,
इस तरीके से हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीरियल वाइज चल रहे हैं, इसी तरीके से आपको चलना है। क्या होता है कि जो पेज मुझे यहाँ पर डिज़ाइन करना है वो मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा है और मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। इसलिए आपको भी कोडिंग कर यानी कि HTML का यूज़ कर करके आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आपके माइंड में भी विजुअलाइजेशन चले कि आपको क्रिएट क्या करना है। ठीक है, इसके बाद सपोज़ मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देता हूँ और डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ इंडेक्स के नेम से, जैसे कि हर बार करते हैं। एक्सटेंशन रहेगा हमेशा HTML, HTML फाइल का एक्सटेंशन हमेशा HTML ही रहेगा। सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पर आ गई फाइल अपनी। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करते हैं, ओपन विद अपने ब्राउज़र में, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे ऊपर क्विज लिखा रहा है, जो यानी कि हमने बॉडी में अभी तक लिखा है वही लिखा आ रहा है। H1 यानी कि हेडिंग 1 में क्विज लिखा रहा है और जस्ट उससे 20 पिक्सल नीचे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आ रही है HR टैग की। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से टाइम वेस्ट ना करते हुए एक और डिवीज़न हम बनाते हैं यहाँ पे। उसकी क्लास हम रखेंगे बटन्स की। ठीक है, उसमें बटन्स होंगे और उन बटन की ID डिसाइड कर देते हैं। बटन ID इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हम बटन का नाम लिख देते हैं BT0 लिख देते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 चार बटन का यूज़ लेंगे क्योंकि ऑप्शन हमारे पास चाहिए। ठीक है, देन स्पान ID इज इक्वल टू चॉइस 1 या फिर 0 ही रख लेते हैं, इसके जैसे बटन के अकॉर्डिंगली चलते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे जाके। ठीक है, स्पान क्लोज कर देते हैं स्पान टैग को और बटन टैग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जो टैग हमने स्टार्ट करा उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमको चार ऑप्शन चाहिए तो चार बार हमने कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, इसको हम कर देते हैं 3। ठीक है, चॉइसेस में भी सेम इसी तरीके से कर देते हैं 1, 2, 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर div टैग जो आपने यहाँ पर लगाया है ऊपर, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल रो लगाते हैं जिसकी स्टाइल हम रखेंगे यहाँ पर मार्जिन, इस बार टॉप से रखेंगे मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देन हम यहाँ पर एक फुटर स्टार्ट कर देते हैं। फुटर में क्या रहेगा, आपकी जो आप वर्क कर रहे हैं यानी कि जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं उनका स्कोर वहाँ पर रहेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ID डिफाइन कर देते हैं, उस ID का यूज़ लेंगे JavaScript में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ID यूज़ ले रहे हैं प्रोग्रेस, यानी कि आपकी क्वेश्चन की प्रोग्रेस क्या रही। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन हैं तो 1 से लेकर 10 तक आपकी प्रोग्रेस क्या रही। ठीक है, क्वेश्चन x ऑफ y यहाँ पर हमने लिख दिया, दैट मीन कि क्वेश्चन 1 of 10 इस तरीके से। ठीक है, पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम फुटर टैग भी अपना क्लोज कर देंगे। देन DIV हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, और एक और DIV हमने क्लोज कर दिया है। ये कौन कौन से DIV हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक हमने यहाँ पर स्टार्ट करा, यहाँ पर क्लोज कर दिया था एक, ये दोनों हमने यहाँ पर क्लोज नहीं करे इसलिए हमने इनको एंड में क्लोज कर दिया। इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं एक बार अपना जो कंटेंट है किस तरीके का नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विज आ गया है, एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई है, चार बटन आ गए हैं अपने पास यहाँ पर, यानी कि जो हमने बटन यूज़ करे हैं, और एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई है उसके नीचे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो जो कि जिसका टॉप मार्जिन 50px है, यानी कि इसका टॉप मार्जिन 50px है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर फुटर में लिख दिया है प्रोग्रेस में क्वेश्चन x ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो कंटेंट पेज है ये लगभग क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अभी ही इसी फाइल में ही जो हम CSS फाइल क्रिएट करेंगे उसको लिंक भी कर देते हैं, यानी कि जो हम फाइल का नेम रखेंगे क्रिएट बाद में कर लेंगे लेकिन पहले लिंक कर देते हैं। कैसे करेंगे लिंक? लिंक के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट की स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए क्योंकि डिफॉल्ट है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, CSS
इसके बाद स्ट्रिंग क्लोज कर देंगे एंड देन href इज इक्वल टू, href में आप उस फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर आपको सही लिखनी है एकदम, href में आप उस फाइल का नाम लिखते हैं जो आपकी स्टाइल शीट की फाइल होती है। तो सपोज मैं उस फाइल का नाम रखूँगा style.css, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं करी है, अभी हम इसको क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पर जैसे कि इस फाइल का जो कंप्लीट काम यहाँ पर कर दें हम, इसलिए यहाँ पर ऐड करिए। और हमने यहाँ पर टाइटल नहीं लगाया, सपोज़ हम यहाँ पर index.html की जगह अगर टाइटल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं हम। टाइटल में आप लिख दीजिए क्विज बाय निखिल या फिर योर नेम या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट हेयर। टाइटल यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है, टैग को हमने क्लोज कर दिया, इसको आपको सेव कर देते हैं फाइल को और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस बाय निखिल आ रहा है। पेज में भी और कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी और कोई चेंज करा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का आपको एक नया प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम जस्ट फुटर के बाद इसमें स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, ठीक है, जिसका src हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और कुछ फाइल्स वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, उनकी फाइल्स के नेम जब हम सेव करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए मैं आपको इसको बाद में ही सेव करके जब हम फाइल क्रिएट कर लेंगे वो तब बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो html कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया, जस्ट इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करना रह रहा है। चलिए इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं, ये हमारी डेस्कटॉप पर ही फाइल है। ठीक है, इसको आपको जब भी नोटपैड में ओपन करना होगा तो ओपन विद आप नोटपैड करेंगे तो आपके पास आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो ओपन हो जाएगी। अब हम करते हैं यहाँ पर css की प्रोग्रामिंग, यानी कि जो हमने पेज यहाँ पर बनाया है, जो क्रिएट करा है, उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो css के लिए हम वापस से एक नया नोटपैड यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सारा काम आपको नोटपैड से ही करना है, कोई अलग से आपको किसी अलग तरीके की आपको सॉफ्टवेयर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये सबसे आसान बात है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं css। सबसे पहले हम बॉडी यानी कि आप बॉडी कंटेंट पर css अप्लाई करते हैं इस तरीके से, जिसका बैकग्राउंड कलर हम सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, हम #EEEEEE, ठीक है, ये हमने कलर पिकर टूल से ये जो कोड होते हैं कलर कोड ये ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसको हम सेव कर देते हैं, किस नेम से हमने फाइल सेव वहाँ पर नया इनपुट किया था, style.css। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार अपनी html फाइल में, आप देख सकते हैं style.css। ठीक है, दोनों एक ही फोल्डर में यानी कि एक ही जगह पर फाइल रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली लिंक रहेगी। डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहे हैं क्योंकि डेस्कटॉप पर ही फाइल है, सेव कर देते हैं। सेव कर दी, स्टाइल यहाँ पर आ गई css फाइल। चलिए देखते हैं हमारे पेज में क्या डिफरेंस हुआ, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको पेज का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, कलर पिकर टूल की बात करते हैं, जस्ट आप गूगल पर सर्च करेंगे कलर पिकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कस्टम कलर्स आते हैं, यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर जो कोड देख रहे हैं यही कोड का हमने यूज़ किया है अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमें कलर यहाँ पर चाहिए इस क्विज को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आपको जस्ट ये कलर कॉपी करना होता है और जो आपका मनपसंद कलर हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको गूगल पर क्या लिखना है, कलर पिकर। ठीक है, चलते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट की तरफ। बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया है, आपने देख लिया है इस तरीके से। नेक्स्ट ग्रिड पर वर्क करते हैं। ग्रिड हमने यहाँ पर एक आपको क्लास यहाँ पर हमने ऐड करी थी, देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ग्रिड पर हम वर्क करते हैं, डॉट ग्रिड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट विड्थ, इसकी फाइनल कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 600 पिक्सल। ठीक है, हाइट कर देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, क्विज का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, मार्जिन कर देते हैं 0 ऑटो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका #FFF। ठीक है, इसके बाद पैडिंग मींस कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से जो डिस्टेंस होता है वो 50px देन 50px। ठीक है, और उसके बाद चौथी तरफ से भी 50px। ठीक है, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया, हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर देते हैं 50px। ठीक है, सेमीकोलन देन बॉर्डर हम यहाँ पर किस स्टाइल का होगा ये डिफाइन कर देते हैं 2px।
सॉलिड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, और उसका कलर होगा CB CB CB, ठीक है। कलर आपको वही कलर पिकर टूल से मिलेंगे, ठीक है। बॉक्स शैडो आपकी होगी 10 पिक्सल, 15 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, और शैडो कलर होगा CB CB CB, ठीक है। यानी कि सेम शैडो हमने यहाँ पर असाइन कर दी है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। सेव करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस पड़ा इस पर। आप देख सकते हैं अलाइन यहाँ पर इसका सेंटर आ गया है और रेडियस बॉर्डर की चेंज हो गई है, और आपको यहाँ पर बॉर्डर और बॉर्डर शैडो यहाँ पर दोनों ही देखने को मिल रही है, बॉक्स शैडो, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्विज का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और ग्रिड की H1 टैग पर वर्क करते हैं। डॉट ग्रिड H1, ठीक है, डॉट ग्रिड H1, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का हम यूज़ लेते हैं, फॉन्ट डिसाइड कर देते हैं कौन सा रहेगा, सन्स सेरिफ, क्योंकि एक प्रोफेशनल फॉन्ट है तो अक्सर मैं इसी का यूज़ लेता हूँ, सन्स सेरिफ और सेमीकॉलन, एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या होगा इसका, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है, कलर पिकर टूल से। सपोज कि बैकग्राउंड कलर आपको ये चाहिए तो आप इसको जस्ट कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेम कलर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है, देन सेमी कॉलन का यूज़ करूँगा। फॉन्ट साइज क्या रहेगा, फॉन्ट साइज आपको स्पेलिंग एकदम करेक्ट रखनी है, अगर आप स्पेलिंग गलत लिख देंगे तो प्रोग्रामिंग में एरर आ जाएगा। और नॉट पैड का एक डिमेरिट ये है, यानी कि डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें आपको मुश्किल हो जाएगा ये फाइंड आउट करने में कि एरर कहाँ पर है इतनी सारी कोडिंग में, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया, देन कलर हम यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट कलर है वो हमारा हम यहाँ पर वाइट रखेंगे, तो उसकी कोडिंग होती है 6 बार F F F F F F F, ठीक है। कुछ कोडिंग यानी कि कुछ कलर कोडिंग आपको प्रोग्रामिंग करते करते याद हो जाती है, ठीक है, तो उनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एग्जैक्ट कलर आप फाइंड आउट नहीं कर पाते, ठीक है। पैडिंग हमने 2 पिक्सल 0 पिक्सल फाइंड कर दी है, देन रेडियस हम यहाँ पर लगा रहे हैं 50 पिक्सल, ग्रिड की रेडियस हमने यहाँ पर लगा दी है 50 पिक्सल। देन हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं, दिखाते हैं आपको इसका चेंज। तो आप देख सकते हैं जो हमने कलर चूज़ किया था कलर पिकर टूल से वही कलर आ रहा है और इस तरीके से क्विज लिखा आ रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं, यानी कि CSS देखिए कितना इफेक्टिवली वर्क कर रही है। आप यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि CSS कितना इफेक्टिवली वर्क कर रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे स्कोर की तरफ, स्कोर पे वर्क करेंगे। स्कोर हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, कलर कॉलोन, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जिस कलर कोड का यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है 5A6772, ठीक है, सेमी कॉलोन, देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, सेमी कॉलोन, फॉन्ट साइज कॉलोन 30 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं एक बार कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है स्कोर का। स्कोर हमारा डिफाइन होगा ठीक एंड में, ठीक है, यानी कि इस गेम के एंड में हमारा स्कोर डिफाइन होगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पर पुट ऑन किया है। अब बटन पर आ जाते हैं या फिर ग्रिड की डेकोरेशन पर आ जाते हैं। ग्रिड में हम क्वेश्चन पर वर्क करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन होगा जो आपको जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करेंगे। हम इसको अभी डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, क्वेश्चन की जो फॉन्ट है हम उसको चेंज कर देते हैं, मोनो स्पेस कर देते हैं, देन हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, ठीक है। इसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे आप, फॉन्ट साइज हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, साइज भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने 30 पिक्सल का, ओके। देन कलर हमने यहाँ पर सेम जो स्कोर का कलर है वही कलर हमने यहाँ पर ले लिया, 5A#, लगाना भूल गए, 5A6772, ठीक है, यही सेम कलर हमने लिया।
और इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये स्कोर का हो गया, देन ये क्वेश्चन का हो गया। इसका यूज होगा जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये हमको नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम बटन्स की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, डॉट बटन्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बटन में मार्जिन देखेंगे तो आपको अभी के अभी नज़र आ जाएगा हमने यहाँ पर कहाँ पर मार्जिन लगाया, 30 पिक्सल का मार्जिन हमने लगाया। आप देखें यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, 30 पिक्सल हो गया। ओके, देन नेक्स्ट अब हम चारों बटन में यहाँ पर प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं इन चारों बटन में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर हमने इनका नाम दिया था BT0। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने HTML के कंटेंट में इनका नाम दिया था BT1, BT2 एंड #BT3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों बटन डिफाइन कर दिए हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब इन चारों बटन की जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर वो होगी बैकग्राउंड कलर, हम इनका डिफाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कलर पिकर टूल से हम ले लेते हैं चारों बटन का और इनसे थोड़ा लाइट ले लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने ये कलर ले लिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये कलर हमने ले लिया बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर हमने सेमीकॉलन से बंद कर दिया। विड्थ हम इनकी ले लेते हैं 250 पिक्सल। ओके, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, बटन की बात हो रही है, देन कलर, कलर फॉन्ट की कलर की बात हो रही है यहाँ पे, तो वाइट कलर रखेंगे अपन। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, इस तरीके से इसका जो डिफाइन होता है, उसका जो आर्किटेक्चर है यानी कि बटन का जो स्टाइल है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। सॉलिड स्टाइल हमने डिफाइन कर दिया और उसकी जो बटन की बॉर्डर की स्टाइल है या और कलर है वो हम यहाँ से इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, देन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन 10 पिक्सल, 40 पिक्सल। चार बार यूज़ कर रहा है मतलब चारों तरफ से वो मार्जिन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, 0 पिक्सल। ओके, देन पैडिंग 10 पिक्सल। और दूसरा भी हम 10 पिक्सल दे देते हैं। सेमी कॉलन लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट से क्लोज करा, इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं हमारे क्विज में कितना डिफरेंस आया। जैसे ही रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हमने कलर चूज़ करा था कलर पिकर से वही आ रहा है और जो बटन है वो कर्ली हो गए थे और इनकी जो विड्थ है 250 पिक्सल की हो गई, जैसे कि हमने यहाँ पर CSS में एंटर करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बटन का होवर यहाँ पर सेट करते हैं। होवर मीन्स जैसे ही हम इस पर माउस ले जाएँ तो उसका कलर चेंज हो जाए और यहाँ पर हमें ऐसा लगे कि एक तरह का अलग से बटन है जो सिलेक्टिव बटन है। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं होवर, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो बटन 0 होवर। ठीक है, इसी तरीके से आपको चार यूज़ लेने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बटन वन हो गया, बटन 2, बटन 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया है, 2 एंड 1। ठीक है, तो ये चार बटन अपने हो गए, चारों की होवर प्रॉपर्टी हो गई। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, देन कर्सर, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी रहेगी, एट्रीब्यूट रहेगा इसका, कर्सर पॉइंटर रहेगा, यानी कि जैसे ही हम उस पर कर्सर ले जाएंगे तो पॉइंटर हो जाएगा हैंड शेप में। देन बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, हम यही वाला सेम कलर ले लेते हैं जो हमारे टाइटल का, यानी कि ये वाला जो कलर था यही कलर ले लेते हैं, इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये कलर हम यहाँ पर लिख देते हैं, हैश के साथ लिख दिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये अब हम इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस हुआ।
ठीक है, अभी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ हमने करी है यहाँ पर, तो हम वो हमें टेस्ट करनी पड़ेगी कि हमने क्या गड़बड़ की है। ठीक है, तो आप देखें कि लास्ट वाले में जो है वो यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से कॉमा हटाना है। ठीक है, क्योंकि हमने कॉपी कर दिया तो हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, अभी भी कभी भी इसके सिंटैक्स के हिसाब से लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं आता, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को रन करके देखा तो आप देख सकते हैं पॉइंटर आ रहा है लेकिन यहाँ पर कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो आप हमें हमें ये भी चेक करना होगा कि क्योंकि जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कलर चेंज होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये डिफाइन करा है और यहाँ पर ओ बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि जो हमें कलर यहाँ पर से लेना था, यानी कि बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर से ये लेना था वो हमने यहाँ पर से ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो कलर लेना है वो हमें यहाँ से लेना है, यानी कि हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर आए तो वो हमें यहाँ पर चाहिए, तो वो कलर हम यहाँ पर लेंगे। इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया होवर पे, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब आप देखते हैं, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, यानी कि सेम कलर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे इस पे पॉइंटर आ रहा है, क्योंकि इसका जो कलर था उसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पर थी जो हमने यहाँ पर करी थी। ठीक है, ऊपर जो यहाँ पर हमने यहाँ पे डॉट ग्रिड एच वन में जो करी थी, फॉन्ट फैमिली डिसाइड करके एंड बैकग्राउंड कलर इसका डिसाइड करा था, तो हमें यही कलर चाहिए था तो वो हमें यहाँ पर पुट करना था, बट गलती से हमने ये वाला कलर कॉपी कर दिया था। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोकस पर। ठीक है, फोकस में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे बटन पर जो फोकस रहेगा वो, तो BT10:Focus। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे और इस तरीके से मैं यहाँ पे सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 4 कॉपी कर देता हूँ जिससे कि इजी हो जाए, थोड़ा लिखना ना पड़े। 3, 2, 1। ठीक है, फोकस पे बात करते हैं, कॉमा इस बार हटा देता हूँ जिससे गड़बड़ ना हो। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया है, कर्ली ब्रैकेट में हम आउटलाइन यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, आउटलाइन कॉलन देन 0 हो जाएगी आउटलाइन और कर्ली ब्रैकेट फिनिश। रिफ्रेश करा, देख सकते हैं चेंजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में, यानी कि CSS को और डिफाइन करते हैं प्रोग्रेस बार का, यानी कि जो लास्ट है इसका, और हम फाइनलाइज कर देते हैं कि इसका कलर क्या होगा। ठीक है, और फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम प्रोग्रेस, ये हमारा जावास्क्रिप्ट से वर्क करेगा, प्रोग्रेस डिफाइन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, कलर इसका हम डिफाइन कर देते हैं और कलर रख देते हैं इसका 2B। ठीक है, सेमीकॉलन, फॉन्ट साइज कॉलन और 18 का इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं और इसको हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो जहाँ तक हमने अपने CSS में सभी एलिमेंट को यूज़ कर लिया है, यानी कि ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक के सभी एलिमेंट को यूज़ कर लिया है, अब हमें ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट की जिसको हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी फॉन्ट बड़ा हो गया रिफ्रेश करने में। अब हमें क्वेश्चन ऐड करने हैं, प्लस जावास्क्रिप्ट से इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना है और ऑप्शन ऐड करना है, तो चलिए वो शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है अब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की, तो चलिए जावास्क्रिप्ट फाइल की हम क्रिएट कर लेते हैं, ओपन करते हैं नोटपैड। नोटपैड ओपन करा और सबसे खास बात यह कि जावास्क्रिप्ट को भी आपको नोटपैड में ही क्रिएट करना है, तो चलिए जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन है हमारा क्विज क्वेश्चंस। ठीक है, क्विज क्वेश्चंस हमारा फंक्शन है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, दिस डॉट स्कोर, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। ये जो जावास्क्रिप्ट अपन लिख रहे हैं ये क्वेश्चन में कैसे ऐड होगा उसके लिए लिख रहे हैं, क्वेश्चंस इज इक्वल टू क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद दिस डॉट क्वेश्चन, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी तो समझिए कि आप ढूंढते रह जाएंगे कि आपके प्रोग्राम में मिस्टेक कहां पर है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहां पर लिखना है क्विज डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट क्वेश्चन इंडेक्स इज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट रिटर्न दिस डॉट क्वेश्चन
ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चंस डिफाइन करा है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहे हैं हम। दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन इंडेक्स है और एक क्वेश्चंस हैं, तो दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंडेक्स की जगह हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्वेश्चंस, और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लेंगे और इसमें लिखेंगे दिस डॉट क्वेश्चन इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बढ़ते हैं आगे, क्विज डॉट प्रोटोटाइप डॉट गैस फंक्शन आंसर, ठीक है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इफ, इफ स्टेटमेंट का यूज ले रहे हैं, दिस डॉट गेट क्वेश्चन इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इंडेक्स अगर हमें मिलता है और वो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, जो हम क्वेश्चन हमारे पास पुट हुआ है वो करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक से, गलती से ऊपर चला गया कर्सर, ठीक है, और आंसर जो है हमारा राइट होता है, देन दिस डॉट स्कोर, यानी कि स्कोर में प्लस वन का, प्लस प्लस, दो बार प्लस का मतलब होता है यहाँ पे प्लस वन का इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय प्लस, और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट स्कोर हो गया कर दिया। दिस डॉट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर एल्स इफ हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं, क्वेश्चन इंडेक्स प्लस प्लस सेमी कॉलन, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन सही होता है तो उसके बाद प्लस वन होगा और आगे क्वेश्चन बढ़ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन इंडेक्स हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्विज डॉट प्रोटोटाइप इज एंडेड इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट रिटर्न दिस डॉट क्वेश्चन इंडेक्स, ठीक है, तीन बार इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाएंगे हम, दिस डॉट क्वेश्चन डॉट लेंथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब देखिए कि क्वेश्चंस की स्पेलिंग है जो गलत हो गई है, इस इन गलतियों का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर ऐसी गलती अगर हो गई तो जो गलती हैं वो फाइंड आउट करना नोट पैड में मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको सेव कर देते हैं, सेव डेस्कटॉप पर हम कर देते हैं क्विज डॉट जे एस, यानी कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको हमेशा सेव करनी है जे एस एक्सटेंशन से, जे एस मीन्स जावास्क्रिप्ट, सेव कर देते हैं, सेव ओके, यहाँ पर फाइल आ गई है, लेकिन अभी तक हमारी HTML में ये फाइल लिंक नहीं है, तो चलिए इसको लिंक भी कर लेते हैं, साथ के साथ आपको बता देते हैं किस तरीके से लिंक होता है, ठीक है। सबसे नीचे आप आ जाएंगे फुटर के नीचे, ठीक है, ये हमारी HTML फाइल है इंडेक्स वाली, आप ध्यान दीजिएगा ये वाली फाइल है जो मेरी जो मेन HTML फाइल है, इसमें आपको यहाँ पर लिखना है स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड करनी है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आप लिख देंगे, देन SRC यहाँ पे, यानी कि सोर्स, सोर्स में आप लिख देंगे फाइल का नेम, यानी कि quiz.js, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और स्क्रिप्ट भी क्लोज कर देंगे। इसी तरह हमें यहाँ पर तीन फाइल, एक हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर दी कि किस तरीके से क्वेश्चन और स्कोर हमारे पास आएगा, ठीक है, और अब हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्डअप होगा। तो दो स्क्रिप्ट की और ज़रूरत है, उनका भी हम नाम पहले से ही यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, क्वेश्चंस एक नाम दे देते हैं हम QUESTION क्वेश्चन, यहाँ पर एक js.js फाइल हमने नेम दे दिया है और एक फाइल हम दे देते हैं ऐप का, ठीक है, जिससे कि हो गया क्विज क्वेश्चन ऐप, याद भी रहेगा, यानी कि अभी हमें दो फाइल एलोकेट करनी है, क्विज question.js और app.js, quiz.js हम क्रिएट कर चुके हैं, इसको सेव कर देते हैं, फिर इसका वर्क हमारे पास नहीं है, जस्ट हमें वर्क आएगा तो इन ID को देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया है और यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है, तो लगभग सही लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे, प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए, कार हम आपके साथ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको क्लोज कर देते हैं इस JS फाइल को, नेक्स्ट नोट पैड ओपन कर लेते हैं एक और नोट पैड अगली फाइल क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं क्वेश्चन, इस फाइल नेम से, ये फाइल सेव है, उसी नेम से हमने फंक्शन क्रिएट करा है, जिससे कि याद रहे चॉइसेस और आंसर, तीन फंक्शन हमने यहाँ पर
तीन फंक्शन के वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, टेक्स्ट, चॉइसेस एंड आंसर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, दिस डॉट टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट ही रहेगा, देन दिस डॉट चॉइस क्या होगा, ठीक है, चॉइसेस क्या होगा, चॉइसेस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इनके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिसाइड कर रहे हैं, दिस डॉट आंसर इज इक्वल टू आंसर, यानी कि यहाँ पर हमने वेरिएबल डिसाइड कर दिए हैं जावास्क्रिप्ट में। देन नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है, क्वेश्चन डॉट प्रोटोटाइप, क्वेश्चन डॉट प्रोटोटाइप डॉट इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, फंक्शन कॉल कर लेंगे अब हम यहाँ पर चॉइस, जो हमारी चॉइस होगी वो हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, और जो चॉइस हमारा है, जो हमने चूज़ किया है, अगर वो सही आंसर है, ठीक है, रिटर्न डॉट दिस डॉट आंसर इज इक्वल टू, तो वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा, इज इक्वल टू चॉइस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हम आंसर चूज करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डिफाइन करी है, इसको सेव कर देते हैं, किस नेम से, क्वेश्चन डॉट जे एस। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए, क्वेश्चन डॉट जे एस के नेम से हमें सेव करनी है, तो क्वेश्चन डॉट जे एस के नेम से हमने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। ठीक है, फाइल यहाँ पर आ गई है। सो गाइज, यहाँ पर हम अपनी दो फाइल क्रिएट कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट की जरूरत है अब हमें ऐप डॉट जी एस की, यानी कि अब हमें ये फाइल और क्रिएट करनी है, तो जस्ट हम अपना नोटपैड वापस से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नोटपैड की हेल्प से ही हमें अपनी तीसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करनी है यहाँ पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन है पॉपुलेट नेम से, पॉपुलेट फंक्शन, ये कोई प्रीडिफाइंड नेम नहीं है, इसको आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इफ क्विज डॉट इज एंडेड, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड ए न्यू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स, शो स्कोर्स। ठीक है, आपको एक बात का बस खास ध्यान रखना है जब भी आप ये पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वैसे तो बेहतर रहेगा अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी मिस्टेक्स आपकी वहीं पर पकड़ में जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स खास तौर से, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको नोटपैड में बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक का खास ख्याल रखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉर एलिमेंट, ठीक है, वेरिएबल का यूज़ ले रहे हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसमें हम उस आईडी को कॉल करेंगे जो हमने एचटीएमएल में यूज़ करी थी, और उस आईडी का नाम है क्वेश्चन। ठीक है, देन इसके बाद एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू क्विज डॉट गेट क्वेश्चन इंडेक्स, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, डॉट लगाएंगे, देन टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमने रिसेंटली इससे पहले वाली जावास्क्रिप्ट में हमने जो वेरिएबल डिफाइन करे थे। ठीक है, टेक्स्ट यानी कि जो इनर एचटीएमएल है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, देन मैंने वापस से देखा तो एचटीएमएल, तो यहाँ पर कैपिटल एल मैंने यहाँ पर लगाया, तो आपको भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई भी दिक्कत आए तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये सभी फाइलें अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर उस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बनाना सीखेंगे तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, फोर लूप का यूज़ लेते हैं हम यहाँ पर, फोर लूप आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर देखिए फोर लूप का यूज़ कैसे हो रहा है, चॉइसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, प्लस प्लस एक ऑपरेटर है जिसका काम होता है इंक्रीमेंट बाय वन। ठीक है, वॉर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन ब्रैकेट में आप लिखेंगे चॉइस, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे, प्लस आई, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन आपका जो आएगा इनर एचटीएमएल में
जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, आप आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो इंक्रीमेंट बाय वन, वो आगे तभी बढ़ेगा जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और एलिमेंट यहाँ पर इनर HTML इज इक्वल टू चॉइसेस, ठीक है, चॉइसेस आई देन गैस, ठीक है। यहाँ पर देखिए बटन BT हम यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं क्योंकि जो हमने BT वहाँ पर यूज़ लिया था HTML में, प्लस I, ठीक है, उसके साथ जो I है वो जुड़ जाएगा, यानी कि बटन 0, 1, 2, 3 आप कौन सा ऐड कर रहे हैं और वही आपकी चॉइस क्रिएट हो जाएगी। ओके, देन आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और आपको यहाँ पर शो प्रोग्रेस शो कर देना है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट वापस से क्लोज और सेमीकोलन। इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ पर आप फंक्शन गेस का यूज करेंगे, एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके दो वेरिएबल हैं आईडी एंड गेस। ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, वेरिएबल बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, ये यूज होते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से एचटीएमएल पर हावी हो रही है और एचटीएमएल के कंटेंट को चेंज कर रही है वहां से आईडी को कॉल करके, ठीक है। बटन डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर हमने इवेंट का यूज लिया है ऑन क्लिक इवेंट का। क्विज डॉट गैस, यहाँ पर वेरिएबल यूज ले लिया और पॉपुलेट को यहाँ पर हमने कॉल करा दिया। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट अगेन क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्रेस बार पर, यानी कि यहाँ पर बटन भी सिलेक्ट हो गए, अब हम चलते हैं प्रोग्रेस बार पर, ठीक है, जिस जहाँ पर नीचे आएगा आपके पास क्वेश्चन 1 of 10 एक्सेट्रा, यहाँ पर प्रोग्रेस बार हमारी ये है। सबसे पहले हमने इस पर वर्क किया, देन बटन पर वर्क किया, अब हम प्रोग्रेस बार पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड फंक्शन शो प्रोग्रेस, ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, वेरिएबल करंट क्वेश्चन नंबर इज इक्वल टू क्विज डॉट क्वेश्चन इंडेक्स प्लस 1, ओके, यानी कि जो करंट क्वेश्चन नंबर है उसके अकॉर्डिंगली जब आप आंसर करते हैं तो जो क्वेश्चन इंडेक्स है वो प्लस 1 से जैसे इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर आप देखें एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम यहाँ पर किसको कॉल कर रहे हैं, प्रोग्रेस आईडी को, ठीक है, जो हमने डिफाइन करी थी एचटीएमएल में। यहाँ पर देखिए आप इंडेक्स फाइल में हम यहाँ पर हमने प्रोग्रेस, आप देखें यहाँ पर हमने इस आईडी को कॉल कर लिया। ओके, देन एंटर बटन प्लस प्रेस करते हैं। अब किस तरीके से इनर एचटीएमएल में किस तरीके से वैल्यू चेंज होगी, इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू क्वेश्चन आईडी यहाँ पर हमने कॉल करी, इस पर क्वेश्चन यहाँ पर हमने राइट करा, ठीक है, ये एक टेक्स्ट है, प्लस करंट क्वेश्चन नंबर, ओके, प्लस ऑफ प्लस क्विज डॉट क्वेश्चंस डॉट लेंथ, ठीक है, यानी कि ये जो इनर एचटीएमएल आपकी ये जो वैल्यू है ये शो कर रही है कि क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आएगा, कौन सा नंबर आपका क्वेश्चन चल रहा है, देन ऑफ लिखा आएगा और क्वेश्चन लेंथ, टोटल आपके क्वेश्चन कितने हैं वो यहाँ पर आएगा, या सपोज क्वेश्चन 1 of 10, ठीक है, इस तरीके से अगर सपोज आपके पास 10 क्वेश्चन है तो, ठीक है। लेंथ के बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है, ये एक पूरी लाइन है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये पूरी लाइन है। इसके बाद आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है और सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट पेज पर, जब हमारा सारे क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद जब स्कोर्स आएगा उसको हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन शो स्कोर्स,
ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, देन ब्रैकेट स्टार्ट वॉर यानी कि वेरिएबल गेम ओवर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू हेडिंग वन में लिखा आएगा हमारे पास, इसलिए हेडिंग वन क्या लिखा आएगा, रिजल्ट, सबसे पहले रिजल्ट लिखा आएगा H1 और यहाँ पर डबल स्ट्रिंग क्लोज, गेम ओवर HTML प्लस इक्वल टू, ठीक है, H2 ID यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं स्कोर, ओके, और देन यहाँ पर क्लोज कर दिया ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिख देते हैं योर स्कोर, जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं योर स्कोर्स स्ट्रिंग क्लोज, यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा आपका एक तो ID स्कोर हमने कॉल कर लिया जितना स्कोर है वो, देन योर स्कोर प्लस क्विज डॉट स्कोर प्लस, ठीक है, क्विज डॉट स्कोर में आपका जो टोटल स्कोर है वो यहाँ पर शो होगा और किस में शो होगा, हेडिंग 2 में, ओके, हेडिंग 2 में आपका स्कोर शो होगा, सेमीकोलन लगाया, एंटर बटन प्रेस करा, वॉर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ओके, यहां पर क्विज को कॉल कर लिया हमने, सेमीकोलन एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू गेम ओवर HTML सेमीकोलन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकोलन वी नीड टू यूज, ओके, एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करने हैं, ओके, क्वेश्चन ऐड करने हैं और क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ क्रिएट क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा क्रिएट क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन क्रिएट करके बताते हैं हम आपको, वॉर क्वेश्चंस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट का यूज लेंगे यहाँ पे, न्यू क्वेश्चन ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे सपोज पहला क्वेश्चन क्या लें, कैपिटल ऑफ इंडिया ले लेते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया, डबल स्ट्रिंग लगाया, देन यहाँ पर एक कॉमा लगा दीजिए आप, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद स्पेस देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर चार ऑप्शन आप लिख देंगे, सपोज न्यू दिल्ली, ठीक है, कॉमा लगा के लिखेंगे मुंबई, कॉमा लगा के लिखेंगे जयपुर, कॉमा लगा के लिखेंगे कोलकाता, ठीक है, जयपुर कोलकाता, इसके बाद आप वापस से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर और डबल स्ट्रिंग में जो राइट आंसर है उसको लिख देंगे, जिससे कि आपका जब आप आंसर चूज़ करेंगे या कोई भी आंसर चूज़ करेगा तो वो सही आंसर को चूज़ करेगा तो उसको पॉइंट मिले, ठीक है, न्यू दिल्ली को हमने डबल स्ट्रिंग में लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद सपोज़ कि आप और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट करके क्लोज कर देंगे, इसके बाद आपकी कुछ कोडिंग रहेगी, क्या रहेगी, आपको यहाँ पे एक तो वार क्विज शो करना है इज इक्वल टू न्यू क्विज, जिसमें से क्वेश्चन आपके शो हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देन पॉपुलेट वापस से रिकॉल होगा, ठीक है, इसको सपोज हम सेव कर देते हैं, अभी तक फाइल सेव नहीं करी है, सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करनी है हमारी, जो लास्ट फाइल हमारे पास बची थी किस नेम से, app.js के नेम से, तो app.js के नेम से ही हम ये फाइल सेव कर देते हैं, app.js, ठीक है, app.js, स्पेलिंग चेक कर लीजिए एक बार, कैपिटल A है, स्मॉल A, स्मॉल A है, तो यहाँ पर भी हम स्मॉल A कर देते हैं, देन सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे हमारी ये फाइल सेव हो गई है, अब हम एक बार इसको रन करा कर देखते हैं प्रोग्राम को, क्या ये रन हो रहा है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं स्क्रिप्ट को, और यहाँ पर जैसे हमने रीलोड करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता,
तो आपको जस्ट यहाँ पर जो सही जवाब है वो चूज़ करना है। सपोज न्यू दिल्ली तो योर स्कोर इज़ 1, सपोज़ मैं यहाँ पर मुंबई करता तो योर स्कोर इज़ 0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेटिंग आ रही है। सपोज़ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आपको ऐड करने हो, सपोज़ कि आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी ऐड करने हैं, तो जस्ट सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट इन लाइन को आपको कॉपी कर देना है, ऐसे ऐसे ऐसे। सपोज आपको जितने क्वेश्चन ऐड करने हैं उतने ही यहाँ पर आप लाइंस ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन बदल दीजिए। सपोज यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ऑप्शन हम यहाँ पर दे देते हैं एलिफेंट। एलिफेंट के बाद आप यहाँ पर दे दीजिए बंगाल टाइगर, ठीक है, लायन, और उसके बाद हम लास्ट ऑप्शन दे देते हैं काओ, ठीक है, और जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर लास्ट में रहेगा बंगाल टाइगर। ओके, सेव कर दीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ओके, सपोज यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु, ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब आप यहां पर लिख देंगे। सपोज गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम यहां पर लिख देते हैं करेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं डॉलर, रुपी, यूरो, पाउंड। ओके, तो यहां पर हम इसका सही जवाब लिख देते हैं रुपी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि कितना इजीली आप यहां पर क्वेश्चन क्रिएट कर पा रहे हैं, और जस्ट आपको ये फॉर्मेट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट क्वेश्चन ऐड करने हैं। पूरी प्रोग्रामिंग हर फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। इनकेस अगर आपसे मिस्टेक होती है इस प्रोग्रामिंग को करने में, तो आप इजीली वो प्रोग्रामिंग को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन 1 of 1 आ रहा है, जैसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर 1 of 4 आना चाहिए क्योंकि 4 क्वेश्चन ऐड कर दिए। रिलोड किया तो यहाँ पर पूरी ही प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रिलोड किया तो यहाँ पर क्वेश्चन चले गए, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक हमने करी है। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे स्ट्रेटली नज़र आ रहा है, वो ये कि आपको यहाँ पर वार क्वेश्चन, वेरिएबल क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया और ब्रैकेट में ये सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार आपको वेरिएबल क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर करना है। ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और इनके बीच में आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। अगर आप पूरा कॉपी कर देंगे तो इस तरह से, जिस तरीके से अभी आपके सामने मिस्टेक हुई, इस तरीके से आपके पास एरर आएगा। तो क्या अब हमारा प्रोजेक्ट लोड होगा, ठीक है, तो चलिए सेव करते हैं इसको और रिलोड करते हैं। वापस से हो जाना चाहिए 1 of 4 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखिए रिलोड करते ही आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 of 4 आ गया है। सपोज हम न्यू दिल्ली, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बंगाल टाइगर, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा, एंड करेंसी ऑफ इंडिया रुपी, ठीक है, योर स्कोर इज 4। सपोज रिलोड करते हैं, ठीक है, जयपुर, बंगाल टाइगर, यमुना, पाउंड, स्कोर 1, यानी कि इस बार हमारा एक ही सवाल सही था तो 1 आया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टेक का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही ध्यान से बनाने वाला प्रोजेक्ट है। और कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो डाउनलोड लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर स्क्रिप्ट राइट करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर भी कोई एरर आ रहा है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है। बाकी प्रोजेक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।